मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भारी हंगामे के बीच मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। विपक्ष की तमाम नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ाम ने 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। मोहन सरकार के पहले बजट में क्या खास है, किसको कितनी सौगात मिली है, करेंगे पूर्ण बजट का संपूर्ण विश्लेषण, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लक्षित है मोदा भी पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मजदार। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भारी शोर शराबे के बीच मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। विपक्ष की ओर से नर्सिंग घोटाले को लेकर चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे के नारेबाजी के बीच प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024 से 25 के लिए 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट के मुकाबले 16% ज्यादा है। बजट सत्र प्रस्तुत बजट से अधिक वृद्धि की है। बजट से सरकार ने कई अहम बातों पर फोकस रखा, जिसमें किसान, महिलाएं, स्वास्थ्य, पर्यटन, चाइल्ड बजट, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जैसे कई अहम योजनाओं पर फोकस किया है। उद्यमियों के माध्यम से संचालित करने का नवाचार किया जा रहा है। इससे एक और जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन प्रयोगशालाओं से कृषि क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना में विगत वर्ष में के बजट प्रावधान में 5 गुना वृद्धि करते हुए 2024 में 50 करोड़ का प्रावधान। हमारी सरकार पिछड़ी जनजातियों, बेगा भारिया सारिया और निशुल्क आहार उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इन जनजाति परिवारों को ₹1,500 प्रतिमा के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत ₹450 करोड़, गरीबों के लिए 450 करोड़, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड। हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुनाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट के बाद बीजेपी ने इस बजट के ऐतिहासिक होने का दावा किया। वहीं कांग्रेस ने इस बजट पर जमकर हमला बोला। मैं मानता हूं कि कम से कम ऐसा बजट जो अभी तक के राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, बिना किसी टैक्स के है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं ग्रामीण विकास की, गरीब के हितों की, उन सबको बेहतर तरीके से उसमें स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। आंकड़े गिनाने से काम नहीं होता। मैंने कल प्रश्न में पूछा था कि सरकार श्वेत पत्र लाए, अपने गए प्रीवियस 3 साल का वित्तीय बजट को लेके श्वेत पत्र लाए, क्यों सरकार श्वेत पत्र नहीं लाता ना? सरकार अपने जो योजनाओं में घोटाले उसकी बात करना नहीं चाहती। मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट में जन भागीदारी वाली कई योजनाएं लाई जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार के इस बजट के बाद प्रदेश की प्रगति में कितनी तेजी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहन सरकार ने आज अपना पूर्ण बजट पेश किया है और इस बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। चलिए आपको पहले बजट के बड़े प्रावधान बता देते हैं। आपको ये बताते हैं कि किस विभाग को कितनी राशि मिली है। शिक्षा विभाग को 22,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 21,144 करोड़ रुपए, खेल विभाग को 586 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
वन और पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ रुपए, किसानों को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, गौशाला के लिए 250 करोड़ सरकार ने बजट में रखे हैं। वहीं संस्कृति विभाग के लिए 1081 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थे विभागों को मिले बजट। अब आपको बजट की कुछ और खास बातें ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पीएम ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी। मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। राम पथ गमन के स्थानों को चिन्हित कर उनका विकास करेंगे। साथ ही श्रीकृष्ण पाथे योजना पर भी काम होगा। ई विधान, ई कैबिनेट, ई विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। और वहीं उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। मोहन सरकार के बजट में किसान और गरीब कल्याण का भी खास ख्याल रखा है। आपको बता दें कि इस बजट में गरीबों और किसानों के लिए क्या खास है, ये एक बार आपको बताते हैं। मोहन सरकार ने अपने बजट में पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसकी मदद से गरीबों को अपना आवास मिलेगा। इतना ही नहीं, बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जातियों के लिए बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास भी सुविधा प्रदान की जाएगी। महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे गरीब महिलाओं को रोजगार शुरू करने में आसानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस पूर्ण बजट में शिक्षा और रोजगार भी इसकी भी भरमार है। और मोहन सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। बजट में पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती का प्रावधान है। स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11000 पदों की भर्तियां होंगी। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इन आईटीआई कॉलेजों की वजह से 5280 सीटें बढ़ेंगी। अब सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस भी कम होगी। वहीं इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शुरू होंगे। बजट में किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 5510 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4900 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए 396 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 266 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालकों के लिए भी सरकार ने 520 करोड़ का प्रावधान किया है। दुग्ध उत्पादकों के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है। गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वो बाबा महाकाल की नगरी से हैं और वो प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ने देंगे। सीएम ने कहा कि ये जनता के सुझाव पर जनता का बजट है। जनता से राय मांगी गई थी और उसी राय के अकॉर्डिंगली बजट डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पेश कर दिया है। सर, आपने कहा सबसे बड़ा बजट, सब पर फोकस रहा। निश्चित रूप से विकास पर अगर दृष्टि होगी तो स्वाभाविक रूप से सब क्षेत्रों में विकास की संभावना ढूंढी जाएगी। यही कारण है कि विकास के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई और पर्याप्त रूप से विकास करने के लिए सारी गुंजाइश विभागों को भी बढ़ाने के लिए दी गई है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश की एक अलग छवि बन के आएगी। विभागों ने जो डिमांड रखी थी उस डिमांड से ज्यादा बजट अलॉट किया गया। हाँ, क्योंकि हमारी वित्तीय तरलता उस स्थिति में है। हमने अपने कठोरता के साथ नियंत्रण में इस बजट को रखा ताकि अनावश्यक धनराशि को अपव्यय से बचाया गया और योग्य धनराशि को सभी प्रकार के सेक्टर में
प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है, पहली बार कोई कर नहीं लगाया सरकार ने, कर ना लगाने का फैसला लिया, और युवा सुन रहे हैं तो जो व्यावसायिक परीक्षा है उसको लेकर एक बड़ी राहत दी है। युवाओं के लिए सभी प्रकार का प्रोत्साहन देते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की सेवाओं में मध्य प्रदेश की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन और युवाओं की बड़ी संभावना बढ़े इसलिए हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, IRS बने, सभी प्रकार की सेवाओं में निकल के जाए तो उनको सभी प्रकार के अनुकूलता उपलब्ध कराई जाएगी, कोचिंग से लगाकर रहने सहने से लगा करके उनके विभिन्न प्रकार के शुल्क से भी मुक्ति देने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे आगे बढ़े, मध्यप्रदेश की सेवा भी कर सके, देश की सेवा भी कर सके। टैक्स का, कर का, जनता पर कोई नए कर का बोझ नहीं पड़ेगा। हम तो उस नगरी से आते हैं जो विक्रमादित्य की नगरी है, विक्रमादित्य हमेशा जनहितैषी निर्णयों के कारण जाने जाते हैं, तो मध्यप्रदेश के अंदर में सुशासन के रूप में आदर्श रूप में विक्रमादित्य राजा भोज ऐसी बहुत लंबी परंपरा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर अपनी वित्तीय व्यवस्था पे नियंत्रण होगा तो हम कर को न लगाते हुए भी वर्तमान व्यवस्थाओं में विकास की बड़ी संभावना खोजते हैं। यही कारण है कि मध्यप्रदेश के इस बजट में विकास के बड़े टारगेट लिए, बड़ी धनराशि का बजट बनाया गया, लेकिन टैक्स कलेक्शन के लिए अलग से टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो संघीय रचना के अंतर्गत मध्यप्रदेश का और देश का जो परस्पर संबंध है उसमें GST का हमारा अंश भी प्रॉपर आता है, उसी प्रकार से जो वर्तमान की टैक्स की व्यवस्था है उसकी सरलीकृत व्यवस्था करते हुए उसमें पर्याप्त ध्यान दे करके ही धनराशि का संग्रहण बढ़ रहा है, तो ये हमारा नियंत्रण है अपनी व्यवस्था का और उसका लाभ हम उठाएं। पहला पूर्ण बजट है आपका, अलग अलग वर्गों से आपने राय ली होगी, तो क्या सार निकल कर सामने आया था? सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विचार करके आगे बढ़ेंगे। रिलेटेड सवाल और है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे बातचीत कर रहे थे और जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि MP का डेवलपमेंट हो और यही उनका पहला फोकस है, और बजट बनाने के दौरान जनता से राय ली गई थी और उस जनता की राय के हिसाब से बजट अब पेश किया गया है, विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश के लिए बजट उन्होंने बताया है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाल। अर्थशास्त्री अर्पित गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित जी, स्वागत है आपका ZMPCG पर। आज का पूर्ण बजट, क्योंकि अगर हम मोहन सरकार के पूर्ण बजट को लेकर, पहला पूर्ण बजट और इसको लेकर बहुत उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए इसमें कुछ न कुछ है, और खासतौर पर फोकस की बात करें तो किसानों और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्यवस्था ठीक करने की बात की गई है इस बजट को लेकर, CM की ओर से खुद कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, कितना सहायक होगा? देखिए मैम, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करी हैं, बजट जो है काफी अच्छा दिया है, 3,65,000 करोड़ का बजट है और सेक्टर्स का इन्होंने एक बैलेंस बनाया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा दिया है, एजुकेशन सेक्टर को जो हमेशा देते हैं वैसा ही अच्छा दिया है, और जो महिला विकास के लिए लाडली बहना योजना थी जो काफी विवादों डिबेट का इशू थी, उसमें कुछ 36,000 करोड़ का एलोकेशन है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से वो एलोकेशन लोगों तक पहुंचेगा और उसमें से कितना, जो वो 3,000 रुपए की राशि उन्होंने अनाउंस की थी वो कितनी मिलती है, क्योंकि बजट में तो सिर्फ एलोकेशन आए हैं, अब उसका किस तरह से आगे फॉलो अप होगा ये देखने वाली बात होगी। और खास करके जो जनता को उम्मीदें थी जॉब क्रिएशन वाली, कि युवाओं के लिए योजना, ठीक है। अर्पित जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रमोद, संपूर्ण विश्लेषण हम कर रहे हैं आज के पूर्ण बजट को लेकर, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट और हर वर्ग पर ध्यान देने की बात कही गई है, खासतौर पर युवाओं को लेकर, क्योंकि जो ITI कॉलेज खोलने की बात कही गई इससे कई भर्तियां भी आएंगी, और अगर हम बात करें किसानों को लेकर, मतलब हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है। एक बार आपसे एक एक करके चीजें समझना चाहेंगे। प्रमोद, आप प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रमोद।
देखिए ये जो बजट है वो वृद्धि वाला बजट बताया है। मुख्यमंत्री से बातचीत मैंने की थी तो उन्होंने कहा था कि हमने पहले तय कर लिया था कि हम जनता से राय के साथ ये बजट बनाएंगे। खास बात ये क्या रही बजट में वो आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता को कोई नया कर नहीं लगेगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई नया कर का बोझ नहीं पड़ने वाला है। एक ये क्लैरिटी से ये जनता के हित की वाली बात है। दूसरा, पुलिस विभाग में, गृह विभाग में 7500 के आसपास जो पद हैं उन पर भर्ती तेजी से की जाएगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के वो लाखों करोड़ों युवा जो व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे UPSC हो या MPSC हो या दूसरे बड़े एग्जाम हैं, यदि उन पर जो खर्चा होता है, चाहे वो परीक्षा फीस का हो या दूसरे खर्चे हो, वो सरकार उठाएगी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उठाएगी। और अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये वर्ष जो है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गौ वर्ष सुरक्षा वर्ष के रूप में मना रही है, तो गायों के संधारण के लिए और जो गौ दुग्ध उत्पादन पर जो बोनस है वो अब सरकार देगी, और गाय सड़क पर नजर ना आए इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। और विभागों की जो डिमांड भेजी गई थी सरकार के लिए कि इस विभाग के लिए इतना बजट चाहिए, उससे ज्यादा बजट दिया गया है। देखिए बाकी बिंदु अपनी जगह, मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या फिर जब जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्लैरिटी से कहा कि हर वर्ग और मध्य प्रदेश को उन्हें प्रोग्रेसिव यानी विकासशील स्टेट बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, सब पर फोकस करना है। देखिए बजट में इंपॉर्टेंट ये भी रहा, किसी भी प्रदेश की जो विकास की धमनियां वो सड़क होती हैं। अब जो 4 लेन सड़क है वो 6 लेन की जाएगी, और कई देखिए नेशनल के एक्सप्रेस वे, चाहे वो ग्वालियर चंबल से लेकर विंध्याचल एक्सप्रेस वे हो, वो आपस में कनेक्ट होंगे और इससे विकास को रफ्तार मिलेगी। जहां पर बड़ी सड़कें निकलती हैं वहां आसपास की जो जमीन है, प्रॉपर्टी के दाम है, वो हाइक पे पहुंच जाते हैं, तो लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा होता है। ये बात सही है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश में वो खोले जाएंगे, कई और नए उच्च शिक्षा विभाग के एफिलेटेड जो कॉलेज हैं वो खोले जाएंगे, तो इससे मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन लेवल है, हायर एजुकेशन लेवल है, वो अपर दर्जे पर पहुंचेगा और ज़्यादा। और इसके अलावा 500 करोड़ के आसपास जो सिंगस्त के को लेकर बजट का अलग प्रावधान किया गया है, और सिंगस्त को ध्यान में रखते हुए 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के आसपास के 10 जिलों में तेजी से डेवलपमेंट के कार्य होंगे, ताकि देश विदेश से जो लोग आते हैं और सिंगस्त में आकर वो अपने आप को मायूस फील ना करें, व्यवस्थाएं वहां पर चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर रुकने के लिहाज से हो, चाक चौबंदों और चार चांद लगाने वाले हो। तो बजट में अलग अलग सेक्टर पर फोकस किया गया है, बजट भी सभी योजनाओं पर्याप्त दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, जिन योजनाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था उन्हें इस बजट के जरिए ऑक्सीजन दिया गया है, चाहे वन विभाग हो या जनजातीय विभाग हो या फिर SC विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सभी को पर्याप्त बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए अब तक का संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ये बजट है, और लास्ट बजट से यदि देखा जाए तो 16% के आसपास ये बड़ा बजट है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने का पहला ये पूर्ण बजट है, और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जिस वक्त सदन में बजट पेश कर रहे थे उस दौरान पूरे समय हंगामा बरपा, कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने क्लैरिटी से कहा हर वर्ग पर हमारा फोकस रहा है। निश्चित तौर पर प्रमोद, कर को लेकर हम बात करेंगे, कर को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही है कि क्यों हम बोझ जनता पर डालें। बिल्कुल, जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री, और मैंने सवाल किया था क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ये जानना चाहती थी कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या उन पर कोई नया टैक्स लगाएगी। किसी भी प्रकार से टैक्स हो सकता है, किसी भी प्रकार से कर हो सकता है, राज्य का अपना कर होता है, लेकिन अच्छी बात यह राहत भरी और अच्छी खबर है कि कोई नया इस बजट में टैक्स या कर का कोई प्रावधान नहीं, कोई जिक्र नहीं है। ऐसे समय में जबकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए होता है
ऐसे में एकमात्र एक बड़ी सरकार की सोर्स ऑफ इनकम जो राजस्व इकट्ठा करने का जरिया होता है वो कर होता है, लेकिन जनता हो सकता है पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंगली एक बड़ा फैसला माना जा रहा है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का, मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने कोई कर नहीं लगाया, कोई बोझ नहीं पड़ने वाला किसी पर भी, किसी भी वस्तु पर कोई नया कर नहीं लगेगा, और ये बहुत बड़ी और ये बात है। सरकार ने ये क्लैरिटी से कह दिया है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। अर्पित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित जी, लोगों पर कोई नया बोझ ना पड़े इसलिए कोई टैक्स ऐड नहीं किया गया, ऐसे में अगर हम मध्य प्रदेश की एक आर्थिक व्यवस्था को लेकर समझना चाहें, मजबूत करने की जो बात कही जा रही है, इस पूर्ण बजट को लेकर हम उसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, नया कर नहीं डाला ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं सराहना करूंगा सीएम साहब का और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का, पर जो 3,65,000 करोड़ का बजट दिया है उसको पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिएगा, और जो पैसा इन्होंने एलोकेट किया है ये जीएसटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको दूसरा शेयर मिलता है दूसरे करों का, उसका एक अच्छा खासा अनुमान 50% के करीब मानते हुए ये 3,65,000 करोड़ का इन्होंने आंकड़ा बनाया है कि इतना ये उससे पूरा होगा। तो अगर ये जीएसटी का कलेक्शन जो इनका अनुमान है, हालांकि अच्छी बात ये है कि जीएसटी जब से आया है तब से अनुमान से बेहतर ही हमेशा कलेक्शन रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इनका सोच है कि ये 3,65,000 करोड़ का फंडिंग जो है जो मुख्यतः जीएसटी और दूसरे टैक्सेस से होने वाला है उससे पूर्ण हो ही जाएगा, और बचा हुआ जो मिसलेनियस गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यूज होती हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, मैं लौटूंगी। प्रमोद, अगर हम युवाओं को लेकर बात करें, क्योंकि एक तरह से पहले भी कहा गया था जो युवा प्रदेश के बाहर जा रहे हैं उनको प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाए, इस पर भी फोकस किया जाएगा। अब हम अगर कॉलेजेस की बात करें, आईटीआई कॉलेजेस खोले जाएंगे जिसकी वजह से कुछ नई भर्तियां भी आएंगी और नए रोजगारों की भी बात कही गई, तो युवाओं पर ज्यादा फोकस होता हुआ नजर आया है इस दौरान? देखिए, अर्थशास्त्री और बजट के जानकार जो कह रहे हैं उनकी राय अपनी जगह है, वो विस्तृत इस पर स्टडी करते हैं, लेकिन एक बार बजट को लेकर मैं बता देता हूं, जनता जानना चाहती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का ये जो बजट है, ये जो 2024-25 का पूर्ण बजट जो पेश किया गया है, वो 3,65,067 करोड़ का कुल बजट है और ये लास्ट बजट से 16% ज्यादा है। इसमें जो बड़े ऐलान किए गए हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार जो सरकारी परीक्षा भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन पर फीस को लेकर बड़ा फैसला लेगी, पूरा सरकार खर्च उठाएगी। अच्छी खबर है, लास्ट की यदि आप देखें तो पिछली सरकारों में विधानसभा में खूब हल्ला हुआ है, कई करोड़ों रुपए परीक्षाओं पे फीस के नाम पे वसूले गए, कई परीक्षाएं हुई भी नहीं है बच्चों, लेकिन बच्चों से मोटी रकम वसूली गई। अब ये फैसला लेना युवाओं के, ये तो सीधे सीधे हक में है। बिल्कुल, कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-2, 5-5 हजार रुपए व्यावसायिक परीक्षाओं में फीस नहीं भर पाते, अब उनके लिए अच्छी खबर है ये, और नया कर नहीं लगेगा और अलग अलग विभागों को पर्याप्त बजट दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 11 गुना बढ़ गई है, ये अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, ये अच्छी खबर है, यानी मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल, अब क्या होगा देखिए प्रमोद, बिल्कुल समय का अभाव है, बीच में रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। और अर्पित जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण बजट का हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में आगे विकास की राह पर अब क्या क्या कदम उठाए जाएंगे और किस किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।